दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। कोरोना वायरस की वजह से भारत के हालात लगातार बद से बदतर होते हुए जा रहे हैं और पिछले 3-4 महीने से भारत में क्रिकेट का हमें कोई भी मुकाबला देखने को नहीं मिला है। वहीं दूसरी तरफ बीसीसीआई लगातार क्रिकेट का महासंग्राम यानी आईपीएल 2020 की स्टार्टिंग डेट को पोस्टपोन कर रही है, लेकिन फाइनली आईपीएल 2020 का इंतजार कर रहे फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। मैंने आप सभी लोगों को कल बताया था कि स्टार स्पोर्ट्स ने बीसीसीआई को आईपीएल 2020 की होस्टिंग को लेकर एक लेटर लिखा था, जहां पर स्टार स्पोर्ट्स आईपीएल 2020 के शेड्यूल एंड स्टार्टिंग डेट के ऊपर इंफॉर्मेशन जानना चाहता था। तो वही दूसरी तरफ फाइनली आज बीसीसीआई ने स्टार स्पोर्ट्स के उस लेटर का रिप्लाई दे दिया है और वो लेटर का रिप्लाई कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट फैंस को बहुत ही ज्यादा खुश करने वाला है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर बीसीसीआई ने स्टार स्पोर्ट्स को क्या रिप्लाई दिया है और क्या है वो तीन बड़ी खुशखबरियां जो आईपीएल 2020 को लेकर निकल कर आ रही है। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और यदि आप भी कर रहे हैं आईपीएल 2020 का बेसब्री से इंतजार तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि पिछले 3-4 महीने से भारत में पूरी तरह से क्रिकेट बंद है, जिसके चलते स्टार स्पोर्ट्स को अपने टीवी चैनल्स पर पुराने मैचों की हाइलाइट्स दिखानी पड़ रही है और उससे स्टार स्पोर्ट्स को लगातार तगड़ा घाटा हो रहा है। तो ऐसे में कल स्टार स्पोर्ट्स ने आईसीसी और बीसीसीआई दोनों के पास एक लेटर भेजा था, जहां पर उन्होंने यह जवाब मांगा था कि आप हमें जल्द से जल्द कंफर्म करके बताइए कि जो सितंबर अक्टूबर वाली विंडो है उस विंडो में हमें आईपीएल 2020 देखने को मिलेगा या फिर टी20 वर्ल्ड कप 2020। तो इसके ऊपर सबसे पहले आईसीसी ने स्टार स्पोर्ट्स को रिप्लाई किया, जहां पर आईसीसी ने ऐसा साफ किया कि 7 जुलाई को आईसीसी की टी20 वर्ल्ड कप 2020 को लेकर फाइनल मीटिंग होने वाली है, वहां पर टी20 वर्ल्ड कप पर फाइनल डिसीजन मिल जाएगा। लेकिन वहां पर साथ ही साथ ऐसा भी आईसीसी ने कहा कि टी20 वर्ल्ड कप 2020 के होस्ट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। वहीं दूसरी तरफ बीसीसीआई ने भी स्टार स्पोर्ट्स के लेटर का रिप्लाई किया है, जहां पर बीसीसीआई ने ऐसा लिखा कि आईपीएल 2020 की होस्टिंग अब पूरी तरह से 7 जुलाई की जो आईसीसी की मीटिंग होने वाली है उस पर निर्भर करता है। यदि वहां पर उस मीटिंग में टी20 वर्ल्ड कप 2020 को कैंसिल या फिर पोस्टपोन किया जाता है तो हमें 26 सितंबर से 8 नवंबर के बीच आईपीएल 2020 देखने को मिलेगा। बीसीसीआई ने पहले ही ऐसा साफ कर दिया था कि शेड्यूल में हमें कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। शेड्यूल जिस तरह का मार्च में लॉन्च किया गया था वही बिल्कुल सेम टू सेम शेड्यूल रहने वाला है। पहला मुकाबला चेन्नई और मुंबई के बीच ही खेला जाएगा, लेकिन यहां पर टाइमिंग और साथ ही साथ यहां पर डबल हेडर मैचेस को बढ़ा दिया जाएगा। और साथ ही साथ बीसीसीआई के अध्यक्ष ऐसा दावा भी कर रहे हैं कि सितंबर से नवंबर के बीच आईपीएल होने के 90% चांसेस है। वहीं दूसरी तरफ आईसीसी के भी बहुत सारे अधिकारी ऐसा दावा कर चुके हैं कि टी20 वर्ल्ड कप 2020 को डेफिनेटली पोस्टपोन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आईपीएल का इंतजार कर रहे फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इस खबर के ऊपर आपके क्या ओपिनियंस है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।